स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रिया स्टाइल्स ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और पहले तो गुड मॉर्निंग सबको। और यहाँ पे इस टाइम पे 7:30 बज रहा है और हमारे पंडित जी ने बताया था कि 7-8 बजे के अंदर ही राखी बांधना है। तो हम लोग सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके चले गए थे भाई के घर और वो सब मैं सूट नहीं कर पाए क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया है मुझे और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस टाइम पे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मिठाई में काजू कतरी, गुलाब जामुन और एक गुलाब जामुन, तो बहुत सारे मिठाइयाँ हैं। और ये मेरे भाई का बच्चा है, रो रहा है पागल। इसको सुबह सुबह उठा दिए ना, ये सुबह सुबह उठ जाता है तो ऐसे ही रोता है। तो वही रो रहा था, राखी नहीं बंधवा रहा था किसी से। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेरे भाई की बेटी थी, वो बोली मैं बांध देती हूँ। मैंने कहा नहीं, पहले आरो को बांध दो। तो आरो देखो दूल्हे राजा बन के आए हैं राखी बंधवाने, कोट पैंट टाई में। तो आप लोग बताइएगा कि आरो कैसा लग रहा है। और आर्या राखी बांध रही है। तो राखी का फर्स्ट ब्लॉक है मेरा, सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी लंबी है तो सबको राखी बांधते हैं। तो सबका मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो ये है मेरा आज का वीडियो और पता नहीं क्या हो गया था मुझे ना, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। मैं राखी के एक दिन पहले से ही परेशान थी, मैं राखी बांधने जाने वाली नहीं थी पर मैंने कहा चलो साल भर में एक बार त्यौहार आता है, जाते हैं बांध के आते हैं। तो गई भी थी बांधने। देखो मेरा आवाज़ फंस रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग हुई ना कि मेरे गले में एकदम दर्द हो गया है, वॉइस ओवर भी नहीं करा जा रहा है मेरे से। और ये मेरा बड़ा भाई है और उनकी वाइफ है और उनका बेटा छोटा, और ये जो येलो कलर का छोटा सा ड्रेस पहनी है उनकी बेटी है। तो आप लोग शायद पहली बार मिल रहे हैं इन लोगों से क्योंकि मैं इन लोगों को अपने ब्लॉग में शामिल ही नहीं करती। क्या है ना कि बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, तो हाँ इन लोगों को वीडियो वगैरह नहीं पसंद है तो इसके लिए नहीं शामिल करती। बट आज का दिन था तो मैंने कहा चलो ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने राखी कैसे मनाई। अभी भी देखो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से ना, मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। आज मैं गई थी, दवाई भी लेकर आई हूँ, तो मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और आरव बेचारा जम्हाई ले रहा है, सुबह सुबह सो के उठा है। इसको ना मिठाई ना स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खा ही नहीं रहा था। जब मैं डांटी ना, देखो मेरी तरफ देख रहा था, जब मैं उसको डांटी तब जाके वो थोड़ा सा स्वीट खाया, नहीं तो उसको स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी स्वीट हो, उसको तीखा कितना भी दे दो खा लेगा, लेकिन स्वीट उसको मत दो। अब सिद्धि बांध रही आरो को राखी। देख लो आप लोग कैसे हमारे यहाँ राखी मनाते हैं। और पीछे खाने का प्रोग्राम हो रहा है, खाना बन रहा है पीछे। ये हुआ था कि हम लोग खाना पीना खा के जाएंगे बट तबीयत ही नहीं सही थी तो थोड़ा सा कचौड़ी था आलू की बन गई थी, वही हम लोग खा के फिर निकल गए थोड़ा सा और चाय पी के। तो ये देखो मेरी बहन के जो लड़का और लड़की वो भी आ गए हैं राखी बांधने के लिए, तो सब मिलकर राखी बांध रहे हैं। अब ये लोग बांध लेंगे, उसके बाद तब मेरा नंबर आएगा, तब मैं भी बांधूंगी। और बांध के फिर मैं जाऊंगी मेरी बहन के यहाँ, वहाँ से थोड़ा सा हरा मटर उसके पास से बोलूँगी, मुझे पनीर बनाना है या आलू मटर पनीर बनता है ना वही बनाना है। तो उसके लिए मटर नहीं मिल रहा था मुझे, तो उसने कहा मेरे घर पे है तो उसके घर से लेके फिर मैं चली जाऊंगी। तो वो सब वीडियो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं खुद ही बीमार थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, बस इतना सा मैंने शूट कर लिया था तो वही था। और
आर्या राखी खुलवा रही है, आर्या दो दो राखी सबको बांध रही है। डोरेमोन का एक राखी था तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो राखी बांधने के बाद फिर मैं एक और आरो पसंद किया था राखी, ये जो सबको बांध रहे हैं, बोला मैं ये बंधवाऊँगा, तो वो राखी था तो दो दो राखी आर्या बांध रही है सबको। तो देखिए चंदनधारी हो गए सब लोग और सब आंगन में जाके बैठे हैं। हमारे यहाँ आंगन में दूल्हे ऐसे आके बैठते हैं कोट टाई बेल्ट लगा के ना, वही हाल इन लोगों का भी है, ये लोग टाई बेल्ट लगा के आ गए हैं। तो सब बड़ा मजाक उड़ा रहे थे इन लोगों का। देखो आरव बोल रहा है भाई सेम टू सेम। तो यही था, मैंने कहा जल्दी जल्दी बांध लो भाई सब लोग, फिर चलते हैं। आर्या को देखो यही मीशो से मैंने ड्रेस लिया था तो काफ़ी बड़ा निकल गया यार ड्रेस, और क्या बोलते हैं अब तनु बांध ले उस आरो को, उसके बाद तो फिर हम लोग बांधेंगे। पीछे देखो सब्जी वगैरह कट रही है बिरयानी बनने के लिए, इन लोगों का तो खाना बन गया था, मेरी बहन के यहाँ तो पूरा खाना बन गया था, मेरा और नेहा के यहाँ भी खाना बन गया था, मेरे यहाँ खाना बिल्कुल भी नहीं बना था। मैं आई फिर क्या बोलते हैं थोड़ा मैं थक गई थी सो गई, फिर उठी तब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, वो भी मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प करी, तब जाके मेरा खाना बना। तो आरा तो खूब जोर जोर की मिठाई खा रहा है, आप लोग भी देख लो कैसा है। और आरा को जो उसका मौसा लाए हैं गैजेट जैसा ला दिए हैं, काफ़ी अच्छी राखी है, उसमें बल्ब वगैरह जलता है, राखी नहीं वो गैजेट है, तो उसी को देख के मस्त है, और उसमें लाइट वगैरह भी जलती है। देखो बार बार जला रहा है, उसको बुझा रहा है बार बार, उसके मामा डांट रहे हैं तो जाके बंद हुआ वो। तो तनु भी राखी बांध ली ओम को, उसके बाद आगे कार्यक्रम शुरू होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी बहन पहले ही बांध चुकी थी, मैं ही थोड़ा लेट से आई थी। तो राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद हम लोग घर पे आएंगे, घर पे मेरी ननद भी आने वाली थी, वो तो बहुत लेट से आई थी, और वो लोग तो पाचक में बांधे थे राखी, मैं तो 8 बजे पहले ही राखी बांध दी थी। और ये सूट मैंने मीशो से मंगाया था, इसके नीचे का भी मंगाया था, इतना टाइट था ना तो मुझे वापस करना था, तो मैंने उस नीचे का पहना ही नहीं, मैंने प्लाजो पहन लिया। और दिया बच्चे ने बुझा दिया था, बच्चे लोग ने, तो वही भाई मेरा बड़ा भाई है तो वो दिया जला रहा है, मैंने कहा जल्दी जल्दी जलाओ जल्दी जल्दी करके जाऊँ। और देखो मैं भी नींद में ही लग रही हूँ। यार मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, वीडियो 4-5 दिन से गया नहीं था, तो मैंने कहा चलो वीडियो अब एडिट कर दूँ, एडिट करी तो वॉइस ओवर देना था, उसके चक्कर में मैं देखो क्या क्या हो गया है। और मेहंदी मैंने अपने हाथ से ही लगाया है, देखो मैंने किसी दूसरे से नहीं लगवाया था। तो चलो जल्दी जल्दी मैं भी बांध देती हूँ, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कट कुट नहीं किया इसमें, जैसा था वैसा था, बस वॉइस मैंने बंद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ की लैंग्वेज भोजपुरी है, आप लोग बहुत कम समझ में आएगी, और हम लोग आपस में वैसे ही बात करते हैं। और दूसरी बात थी कि थोड़ा सा फॉरवर्ड भी मैंने कर दिया था ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, कट नहीं करना पड़े, तो इसके लिए। और पैसे देने में ये लोग कंजूसी कर रहे थे, पहले 500 दिए, फिर 500 दिए, फिर 500 दिए, तो लोग ऐसे ऐसे करके दे रहे थे, क्या था ये लोग सोच रहे थे कि 500 दे देंगे उसके बाद कपड़े लाएंगे, मतलब कपड़े आ रहा था मीशो से, पता नहीं कैसे मीशो से साड़ी आया ही नहीं, तो फिर उसकी संती भी दे दी, बोले जाके ले लो जो लेना है साड़ी सूट जो भी लेना है, तो वही सब था। और यही सब हो रहा था, तो मैंने काजू कतरी मंगाई थी, मुझे ना काजू कतरी बहुत पसंद है, बोल रहा है बहुत अच्छी मिठाई है, अपने ही जाके इसके साथ मैं ही गई थी लाने,
काजू कतरी या गुलाब जामुन लेकर आई थी, ये भी गुलाब जामुन मैं ही लाई हूँ, और मेरा भाई भी लाया है बेटी के लिए अपने, तो उसका उतना अच्छा नहीं है, पैर छू रहा है देखो। तो ये छोटा भाई है मेरा, इसको आप लोग देख चुके हो इसकी शादी में, इसकी शादी का भी मैंने जो भी वीडियो वगैरह था वो भी मैंने डाला है। उसके उसके टाइम पे सर पे रखने के लिए भूल गया था, तो मैंने कहा इसके टाइम पे आधा रख दो, तो मास्क उसी से लगाता है, वही बोल रहा है लोग मास्क लगाने वाला लगा लो, उसी को सब हंस रहे थे। तो मेरा आज का वीडियो यही है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और प्लीज़ गाइज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि पता है आप लोगों को तबीयत नहीं सही है मेरी, बस मैं ऐसे ही वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो क्या करना है, वीडियो को फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाजू में जो घंटी का निशान होता है उसको भी बजा देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। देखिए मैं आप लोगों को हाय बोल रही थी, देखो ऐसे ही तैयार हुई थी, तो आज अच्छी कमाई हो गई थी सुबह सुबह। और ये मेरी ननद आई थी, देखो आके मैंने कपड़े चेंज कर दिए, मेरी ननद आई थी तो ये तो 12 बजे राखी बांध रही थी, तो देख लीजिए इनका भी। अभी मेरा पार्ट टू भी आएगा, वो पार्ट टू में भी कुछ अलग है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्यार से देखिए, ठीक है। और पीछे से वॉइस आ रही है, खटखट हो रहा है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ खटखट होता ही रहता है। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, ठीक है। हम लोगों ने साड़ी खरीद के लाई थी, वही मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि दो दे दूँ, तो वही मैं लाने गई थी, ये देखो यही है साड़ी, दे दे, चलिए बाय।